तो दोस्तों, आज जुलाई की 17 तारीख है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखिए जो सीज़न है वो मॉनसून सीज़न है। तो मॉनसून सीज़न क्या रहता है, ह्यूमिडिटी हाई रहती है, बारिश होती है, पौधे बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। तो ये मौसम ऐसा रहता है जिसमें आप बहुत सी नई नई वैराइटीज़ नर्सरी से लाकर बिल्कुल अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। पौधे स्ट्रेस में नहीं आते, पौधे बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे पौधे ही शेयर करूंगा जिनको आप लाकर आप लगाइएगा, आपको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा, जल्दी से फूल खिलने लगेंगे। सबसे पहला पौधा पोर्चुलाका का रहता है, बहुत से मल्टीपल कलर्स में आ जाता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसकी तरफ देख सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में, गमले में, दोनों तरह से लग जाता है। प्राइस रेंज की बात करूँ लगभग 20 रुपीज़ में मिल जाता है और कटिंग से भी इजिली ये जो पौधा है ग्रो कर जाता है। नंबर दो है दोस्तों, इस मौसम में आप नोटिस कीजिएगा, बारिश के बाद गुलाब के पौधे में नई नई जो शूट्स हैं वो निकल कर आती हैं। तो नर्सरी पर अगर आपको हेल्दी गुलाब का पौधा दिखाई दे जिसमें नई शूट्स निकल रही हों, केवल वो पौधे को चूज़ कीजिएगा। वैसा पौधा लाकर आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो देसी गुलाब रहे, चाहे वो इंग्लिश गुलाब रहे। तो यहाँ पर ये जो आप पौधा देख रहे हैं, हालांकि ये मेरा स्टैंडर्ड रोज़ है, स्टैंडर्ड रोज़ेस भी बहुत अच्छे रहते हैं। स्टैंडर्ड रोज़ेस को भी आप चाहे तो इस मौसम में या आने वाले मौसम में जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अगर बात करूँ कटिंग की, तो इस मौसम में केवल देसी गुलाब की जो कटिंग रहती है वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। उसकी तरफ भी आप देख सकते हैं, ये मौसम कटिंग्स लगाने के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। तो देसी गुलाब की कटिंग लगाइएगा, इंग्लिश रोज़ को नर्सरी से लाकर जो है वो लगा लीजिए। अगला पौधा आ जाता है दोस्तों एक्सोरा का। एक्सोरा रुक्मिणी का जो ये पौधा रहता है, बहुत से मल्टीपल कलर्स में और बहुत सी वैराइटीज़ में मिल जाता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसकी हाइब्रिड वैरायटी, मिनी लीफ वैरायटी या फिर जो पुणे की रेड सॉइल में वैरायटीज रहती हैं वो सारी की सारी बहुत बेहतर रहती हैं। सर्दी के मौसम में थोड़ा सा ये रेस्ट या डोरमेंसी में जाएगा, अदरवाइज़ ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा और बहुत हैवी फ्लॉरिंग भी करेगा। तो इसको भी ज़रूर से जो है वो इस आने वाले मौसम के लिए अभी से नर्सरी से लाकर लगा लीजिएगा। प्राइस रेंज की बात करूँ 50 रुपीज़ से जो प्राइजेज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगली ऑप्शन है दोस्तों ये मधुमालती की। मधुमालती, रंगून क्रीपर, झुमका बेल, बहुत से नाम से जानते हैं। इसकी दो तीन तरह की वैरायटीज़ मिल जाती हैं, एक तो इसकी हाइब्रिड ड्वार्फ वैरायटी रहती है, दूसरी बेल वाली वैरायटी रहती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सेमी बेल या इसको आप प्लांट टाइप की वैरायटी कह सकते हैं, ये पौधे की तरह ग्रो करती है। ये मेरा एक बड़ा सीमेंट का गमला जिसके अंदर मैंने इसको ग्रो किया है। तो देखिए बहुत हैवी फ्लॉरिंग है, इस तरह की वैरायटीज़ को लगा लीजिएगा। अगर आप बेल वाली वैरायटी आप देखते हैं वो गमले में अच्छे से नहीं चल पाती, तो केवल आप जो सेमी बेल या छोटी प्लांट वैरायटीज़ रहती हैं उसको ग्रो कीजिए। फिर देसी गुड़हल आ जाता है। देसी गुड़हल या हिबिस्कस की जो वैरायटी रहती है वो बहुत बेहतरीन रहती है, खासतौर पर मानसून के बाद बहुत हैवी फ्लॉरिंग करती है। तो ये मेरा एक पुराना मैच्योर प्लांट है, लगभग इसको 5 से 6 साल हो चुके हैं। इसकी हर साल मैं ट्रिमिंग भी करता हूँ, रीपॉटिंग भी करता हूँ। अगर गमले के साइज़ की बात करूँ तो 10 इंच का गमला है। देखिए बहुत सारे फूल निकल कर आए हैं। इसको आप इस मौसम में कटिंग से भी लगा सकते हैं, इसमें बहुत से मल्टीपल कलर्स रहते हैं, आपकी चॉइस है आप कौन सा कलर जो है वो ग्रो करना चाहते हैं। तो कटिंग से लगाना भी बेहतर रहता है, आप चाहें तो सिंपली प्लांट लाकर भी नर्सरी से लगा सकते हैं। प्लांट की अगर प्राइस की बात करूं जो पौधा है वो 30 से 50 रुपए में मिल जाएगा। फिर बारी आ जाती है इस तरह से, देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ये अपराजिता की बेल है, तो अपराजिता की बेल को भी आप लगा सकते हैं। अपराजिता की बेल जो रहती है ये बहुत शुभ रहती है घर के लिए, और ब्लू कलर, पिंक कलर, पर्पलिश कलर और ये वाइट कलर, इस तरह से बहुत से मल्टीपल कलर मिल जाते हैं। सिंगल डबल वैरायटी दोनों मिल जाती हैं, तो सपोर्ट देना पड़ता है यहाँ पर। गमले का जो साइज़ है ये 10 इंच का गमला है, आप 10, 12, 14 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा स्टिक की, तो ये अच्छे से ग्रो करती है, बीज से, कटिंग से, दोनों तरह से ग्रो कर जाती है। फिर बारी आ जाती है दोस्तों ये मोगरा के पौधे की। मोगरा जैस्मिन बहुत हैवी फ्लरिंग करता है लगभग सारी गर्मी भर, सर्दी में थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी में रहता है। तो ये भी मेरा पौधा जो आप देख रहे हैं लगभग 3 से 4 साल पुराना है, और ये स्टार मोगरा इसको बोल देते हैं। देखिए इसका जो फ्लावर का शेप है वो स्टार टाइप रहता है, गुच्छे में फूल आते हैं, रात के समय ज़्यादातर जो फूल हैं वो खिलते हैं। तो ह्यूमिडिटी इन सभी पौधों को पसंद है इस मौसम में इनकी, आप लाइट ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे, हल्की फुल्की कटिंग कर दीजिए और NPK लिक्विड का स्प्रे कीजिए। बाकी आप इन पौधों को कटिंग से भी लगा सकते हैं, अगर आपके आसपास कहीं से इसकी कटिंग मिल जाए, थोड़ी सी पेंसिल टाइप थिक कटिंग ले आइए। थोड़ा झाड़ीनुमा पौधा रहता है, लेकिन अगर कटिंग कीजिएगा तो बहुत अच्छी शेप को मेंटेन करता है। प्राइस रेंज लगभग 70-80 में मिल जाता है नर्सरी पर। फिर बारी आ जाती है खूबसूरत सर्दियों के फूल की। ये देखिएगा ये ऐसा पौधा है जो खिलता तो सर्दियों में है, लेकिन इस मौसम में बारिश बारिश के बाद इसको लगाना बहुत सही रहता है।
तो ये कौन सा पौधा है? ये कैमेलिया फ्लावर प्लांट है। इस मौसम में इसकी जो ग्रोथ है वो तेजी से निकल कर आती है। अभी मॉनसून के टाइम में लगा लीजिएगा। इसका जो सॉयल मिक्स है वो भी बहुत बेहतर रहना चाहिए अगर आप गमले में ग्रो करते हैं। सेमी शेड इसको पसंद रहता है। मेरे गमले के साइज़ की बात करूँ तो केवल मैंने इसको एक छोटे गमले में ग्रो किया है, केवल 8 से 10 इंच का गमला। देखिए खूब सारे फूल जो है वो खिलकर निकले हैं। तो इसी तरह से मल्टीपल कलर्स में मिल जाता है। प्राइस 150 के आसपास जो है वो नर्सरी पर इस समय पर आपको मिल जाएगा। फिर खुशबूदार पौधे की अगर बात करूं तो गार्डिनिया गंधराज बहुत ही बेहतर ऑप्शन रहती है। ज़्यादा गर्मी के मौसम में इसकी कलियां गिरती रहती हैं, लेकिन बरसात का मौसम या फिर कम टेम्परेचर इस पौधे को पसंद रहता है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर। तो इस समय पर ह्यूमिडिटी जब हाई है तो इस पौधे को लगा लीजिएगा। पौधा जल्दी से स्टेबल होगा, स्ट्रेस में नहीं आएगा, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। सितंबर अक्टूबर का मौसम बहुत बढ़िया फूलों का रहता है, ये पौधा बहुत अच्छे से खिलता रहता है। अगला पौधा है दोस्तों बोगनविलिया का। बोगनविलिया बहुत से मल्टीपल कलर्स में मिल जाता है, अब आपकी चॉइस है बोगनविलिया की कौन सी वैरायटी को ग्रो करना चाहते हैं। ये ऐसे पौधे रहते हैं जो रोड साइड मिल जाते हैं, 8-10-12 इंच के गमलों में इसलिए चल जाते हैं, बोनसाई में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये देखिएगा, ये डबल शेड है, डबल शेड में भी आप लगा सकते हैं, कटिंग से भी इस मौसम में लगा सकते हैं। कटिंग जब लगाइएगा तो थोड़ी सी मोटी कटिंग चल जाती है। ये देखिएगा, ये मैंने मोटी कटिंग लगाई थी लगभग 3 साल पहले, तो उसी का ही रिजल्ट है। देखिए बहुत अच्छे से सुंदर से बोनसाई में ये कन्वर्ट हो रहा है। नर्सरी प्राइस की बात करूं, देसी वैरायटीज़ जो बेल वाली रहती हैं लगभग 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ जो हैं वो 200-250 इस तरह से रेंजेस रहती हैं। तो डिपेंड करता है आपके एरिए पर, आपके वहां पर नर्सरी पर। उसके बाद आलामंडा बुश बहुत बेहतर ऑप्शन रहती है। ये खास पौधा है बारिश के बाद के मौसम में खिलने के लिए। तो आलामंडा बुश को बिल्कुल लगा सकते हैं, ला सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें भी आलामंडा में बहुत वैरायटीज रहती हैं, लेकिन ये जो बुश वैरायटी है ये सबसे बेहतर रहती है गमले के लिए। फूल का साइज मीडियम रहता है लेकिन हैवी फ्लावरिंग प्लांट रहता है। तो फर्टिलाइजर पर इन सभी पौधों को लेकर मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। इस भी पौधे की बात करूँ तो केवल 10 इंच के गमले में लगाया है। हाँ, अगर आप इस पौधे को ज़्यादा पानी दीजिएगा तो थोड़ी बहुत येलो लीव्स की प्रॉब्लम आती है बारिश के बाद। ये देखिए थोड़ी बहुत पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं, लेकिन बहुत सख्त जान पौधा है, अभी ये फूलों पर आ चुका है। तो इस मौसम में नर्सरी पर इजली मिल जाता है 70-80 रुपीज़ की रेंज में। इसको लाकर ज़रूर से लगाइएगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। फिर ये नाग चंपा की बारी आती है। चंपा प्लूमेरिया बहुत सी वैरायटीज़ में मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये नाग चंपा का पौधा है और केवल मैंने 10 इंच के गमले में ग्रो किया है। तो ये लंबी हाइट में जाता है आपका, ये जो पौधा रहता है ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, बहुत कम स्पेस में चल जाता है। कहीं भी अभी दीवार की साइड में इसको प्लेस कर दीजिए, बहुत अच्छे चलता रहता है। जो अच्छी बात है बहुत गुच्छों में फूल देता है और लंबे समय तक इसके जो फ्लावर्स हैं वो होल्ड भी करते हैं। तो खुली धूप इन पौधों को पसंद रहती है, सनलाइट दीजिएगा, प्रॉपर सनलाइट में प्लेस कीजिए, आपको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। कटिंग से बहुत इजीली चल जाता है, लगभग 1 से 2 महीने का समय लग जाता है कटिंग से इसको ग्रो करने में। अभी चाहे तो कटिंग भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको 100 रुपये के लगभग नर्सरी पर मिल जाएगा, लाकर लगा लीजिए। और लास्ट प्लांट है दोस्तों ये हाइब्रिड गुड़हल। हाइब्रिड गुड़हल जो है ये गर्मी के मौसम में ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, लेकिन जैसे ही मॉनसून स्टार्ट होता है फिर से ये पौधा बहुत अच्छे से फूल देने लगता है, बहुत बढ़िया से चलने लगता है। तो इसको आप लगा सकते हैं, इसमें भी बहुत सी मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाती हैं। कटिंग से भी ये चल जाता है, कटिंग थोड़ी सी थिक कटिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर केवल मैंने 1 8 इंच के गमले में ग्रो किया, देखिए रिजल्ट आपके सामने। और फर्टिलाइजर की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर जो है वो अवेलेबल है। तो बस दोस्तों ये थे कुछ खास पौधे जो आपके साथ शेयर किए। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।